our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आपने लंदन सीरीज़ पे इतने ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ा आया। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और क्योंकि ऑफिशियली समर स्टार्ट हो गया नॉर्वे में, और नॉर्वे घूमने का सबसे अच्छा जो है ना वेदर ये है जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये तीन चार महीनों में नॉर्वे की ब्यूटी समझ लो कि 100 है तो वो 1000 हो जाती है। अच्छा, तो आज मौसम बड़ा अच्छा था, इसी वजह से प्लान बनाया कि पिकनिक के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। कैमरामैन मेरा ज़रा पिकनिक वाली जगह दिखाए। ये जगह हमने चूज़ की है तकरीबन 1.5-2 घंटा गाड़ी चलाने के बाद। बहुत सी जगह हमने ढूँढी थी लेकिन ये उनमें से बेस्ट जगह हमें लगी है। तो पिकनिक के लिए हमने प्लान बनाया कि थोड़ी सी कुकिंग भी करेंगे, और कुकिंग के लिए हमने चूज़ किया है कि चने वाले चावल बनाते हैं। वो प्लेन भी गुजर रहा है, ट्रेन भी गुजर रही है, इधर से बोट भी गुजरेंगी। तो सबसे अच्छी लोकेशन जो है ना वो हमने चूज़ किया आज। और अच्छा बता रहा था मैं कि कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं, और कुकिंग के लिए चूज़ किया हमने चने वाले चावल बनाएंगे साथ, क्योंकि बड़े इजी बन जाते हैं, घर से बॉयल किए हुए थे, और साथ दही, और साथ एंजॉय करेंगे कोई कोला शोला या कुछ इस तरह की। लकड़ियां भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, इधर लकड़ियां इधर से उठाएंगे, पत्थर इधर से उठाएंगे, और ये गाड़ी में हम सामान वगैरह लेके आए थे, पानी शानी भर लाए हैं, तेल और सारा सामान इसके अंदर है। अभी आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को रखते हैं, बिछाते हैं चीज़ें, कपड़ा शपड़ा बिछा के लेटते हैं उस पर, और साथ साथ कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप ये व्यू एंजॉय करें ड्रोन वाला। सन ब्लॉक भी जरूरी है, तो लाजमी लाना है, नहीं तो स्किन सड़ जानी है सारी। चादरें जनाब लेके आए थे, चादरें बिछानी है, इसके ऊपर बैठेंगे, स्किन करेंगे, इसको बेहतरीन किस्म की चादर बिछाते हैं ऐसे। एक और चादर है, बेहतरीन हो गया। माल चाल निकालने, माल निकालने लगे हैं सारा। ड्रोन भी लेके आए हैं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी दिखानी है साथ साथ। मर्च मसाले जरूरी ने ना ये, और पानी की बोतल। लकड़ियाँ भी रेडी हैं,
ऊपर से बर्तन भी सेट कर लिए। अभी बस बारी है प्याज श्याज छीलने हैं, माल सारा काट लिया है, प्याज श्याज टमाटर ये सामान काट लिया है, मिर्ची वैसे डाल देंगे उसमें। अभी आग जलानी है जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। और आग जलाने के लिए ये टिश्यू और इसके ऊपर थोड़ा कुकिंग ऑयल डालना है, इससे आग जल्दी जलेगी और आग लकड़ियों को जो सूखी हुई हैं उनको जल्दी लगाएगी आग, नहीं तो वैसे बड़ा टाइम लगना है। ये छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं, इनको भी इसके ऊपर रखते हैं इस साइड से। और जनाब ये लाइटर, एक दफा बड़ी लकड़ियों को लग जाएगी उसके बाद इजी जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएगी आग। सबसे पहले जीरा, साढ़े तो गर्म ही नहीं होया हूँ। आग बहुत जरूरी है। कैमरा मैन जरा दिखाए जूम करके, प्याज बस होने वाले हैं। प्याज जनाब हमारा हो गया, नमक हफ्ते जरूरत, काली मिर्चें थोड़ी सी, सारा माल लेके आए, लौंग दो तीन, काली मिर्चें, मंदा देगा देगा वाली फील आ रही है, लकड़ियां आगे कर ले पीछे से आग जल रही है, हल्दी और कलौंजी। आग जनाब बेहतरीन किस्म की जल गई है और चने वगैरह भी डाल दिए हैं सारे मसाले मसूले चने शने, और पानी भी डाल दिया उसके अंदर, अभी बॉयल होने में थोड़ा ही टाइम है, जल्दी हो जाएगा। चावल बनने में तकरीबन लग गए 15 मिनट, आग जलानी बड़ी मुश्किल थी, मेरी तो कमर इस तरह कर करके रह गई है। हाँ जी गाइस, चावल तो बेहतरीन किस्म के बन गए हैं, आपको लुक दिखाते हैं चावलों की। और जिस तरह देगी चावल होते हैं उस तरह का जो है ना स्मेल आ रही है लकड़ी पे जो बने हैं, तो अभी टेस्ट करते हैं फिर। टेस्ट टाइम, मजेदार ये बहुत अच्छे बने हैं चावल, नमक थोड़ा सा कम है लेकिन अभी डाल लेते हैं बाद में, ओवरऑल अच्छे बने हैं। अभी आप तब तक ये ड्रोन वाली वीडियो देखें, मैं चावल खा लूं।
हाँ जी जनाब, खाना शाना खा लिया, बड़े मज़े के चावल बने थे और आपको व्यू भी दिखाया। आज का पिकनिक का दिन ख़त्म हो गया, सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता डूबना स्टार्ट हो गया। तकरीबन कह लो कि 6:30-7 का टाइम हुआ है। तो अभी आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।